आपकी नौकरी परमानेंट अपॉइंटमेंट के समय यह कहते हुए छीन ले जाए कि साहब इन्हें हटाना है, बाकी आप चाहे जिसको रख लीजिए। तो यह केवल निजी लड़ाई नहीं है, ये एक वैचारिक लड़ाई है अपने देश, अपने संस्थाओं और शिक्षा को बचाने की, क्योंकि इन्हीं कैंपसेस ने हमें बनाया है। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय न हो, दिल्ली विश्वविद्यालय न हो, वो सरकारी न होते तो हम यहाँ नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के क्या उन प्रोफेसरों का चेहरा इस देश को याद नहीं है जो रोज टीवी पर बैठकर नफरत की बात करते? वो भी तो राजनीति करते। दिल्ली विश्वविद्यालय चूंकि एक ऑटोनोमस बॉडी है, हम सरकारी मुलाजिम नहीं होते, इसलिए हमारे ऊपर वो नियम कायदे लागू नहीं होते कि हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। मेरे विद्यार्थियों के फीडबैक में कभी आपको इसकी शिकायत नहीं मिले। 14 साल में एक कंप्लेन मेरे खिलाफ मेरे कॉलेज में नहीं है। तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या वजह पॉलिटिकल है? किसने कहा था कि लक्ष्मण यादव को बाहर करो और क्यों बाहर करो? ये सवाल मैं फिर से पूछना चाहता हूँ। सिलेक्शन कमेटी बताए, प्रधानमंत्री बताए, शिक्षा मंत्री बताए, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति बताए कि वो आधार क्या है जिस पर आपने मुझे बाहर किया। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मण यादव हैं। इनके चेहरे को आप भली भांति पहचानते होंगे। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में शिक्षक थे। अब वो थे में बदल गए क्योंकि कल ही उनकी नौकरी दिल्ली विश्वविद्यालय से खारिज कर दी गई। वजह क्या थी वह खुद बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सोशल मीडिया पर इनके पक्ष में लोग सवाल उठा रहे हैं। आमतौर पर विश्वविद्यालय किसी को नौकरी दे रखे, यह सवाल सामाजिक राजनीतिक प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन यह लक्ष्मण यादव के मामले में बन रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? खुद लक्ष्मण यादव की ऐसी क्या प्रतिष्ठा बनी है समाज में जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं? इन सभी बातों को समझने के लिए हम सीधे लक्ष्मण यादव से ही बातचीत शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी, ये बताएं कि आखिरकार आप लगातार खुद भी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, आपके समर्थन में हजारों लोग लिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके नौकरी से निकासी की मूल वजह क्या है? बहुत शुक्रिया अजय भाई, मूक नायक का शुक्रिया और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, न्याय के पक्ष में खड़े हैं। निश्चित रूप से ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत कठिन लम्हा होता है जब उसके सपने को उससे छीन लिया जाए। हमने अपने उम्र के उस पड़ाव पर जब हमारे सामने कई किस्म के विकल्प थे कि हम किसी में करियर बना सकते थे, हमने उन कई विकल्पों को खारिज करके अपनी कक्षाओं को चुना, अपने किताबों और कलम को चुना और उसके लिए बहुत मेहनत की और यहां तक पहुंचे, अपने दम पर पहुंचे, अपने हुनर से पहुंचे, पर अचानक आपसे आपके सपने को छीन लिया जाए जी। आपसे आपकी कक्षाओं को छीन लिया जाए जी। और वह भी अगर कोई ठोस वजह होती, हमारी कोई अपात्रता होती जी। कोई गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम होता तो भी इतना बुरा नहीं लगता कि ठीक है हमने गलती की उसकी सजा मिले। मगर जब आपको ये पता हो कि ऐसा कुछ भी नहीं, आपका एकेडमिक स्कोर जो है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वो जो है 100 में 96 नंबर हो, आप उस महाविद्यालय के सबसे पुराने शिक्षक हो, उन यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक शिक्षक रखे जाते हैं जिनका ओहदा असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, वो टेम्पररी बेस पर होता है लेकिन उनको पूरी सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलती है, उनका ओहदा वही होता है। तो आप 14 साल से जिस महाविद्यालय में आपने अध्यापन किया हो, आप अपने मेरिट के दम पर वहां हो, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हो और आपके पास सब कुछ का अनुभव हो और उसके बाद आपसे आपकी नौकरी परमानेंट अपॉइंटमेंट के समय यह कहते हुए छीन ले जाए कि साहब इन्हें हटाना है, बाकी आप चाहे जिसको रख लीजिए। भाई क्यों हटाना है, क्या आधार है? कुछ नहीं साहब, बस हटाना है, ऊपर से आदेश आया, हम नहीं चाहते कि इनको नौकरी में रखा जाए। तब लगता है कि ये अन्याय है। ये हमारे साथ हुआ, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। और यह केवल निजी लड़ाई नहीं है, ये एक वैचारिक लड़ाई है अपने देश, अपने संस्थाओं और शिक्षा को बचाने की, क्योंकि इन्हीं कैंपसेस ने हमें बनाया है। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय न होता, दिल्ली विश्वविद्यालय न होता, वो सरकारी न होते तो हम यहां नहीं। तो इसलिए मेरा पक्ष ये है कि ये एक बेहद आपत्तिजनक, और मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे हटाए जाने का आधार क्या है?
वो सिलेक्शन कमेटी मुझे बताए कि क्या मैंने कोई एकेडमिक रूप से शर्त पूरी नहीं की। नहीं, जो चुने गए हैं उनसे सबसे बेहतर कैंडिडेट मैं हूं, मैंने पब्लिकली वो सब लिख दिया है, बोल दिया है। फिर किस बेस पे आता है? आपने इंटरव्यू लिया और जो हमारे डिपार्टमेंट के टीचर वहां रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं उन्होंने उनसे बहस की कि सबसे अच्छा इंटरव्यू इस कैंडिडेट का हुआ है, तो सामने जवाब आता है साहब इंटरव्यू से थोड़ा ही होता है। तो ये हमारे सवाल हैं और इसका जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल, उसका चेयरमैन, वाइस चांसलर DU और पूरे देश के लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए जो भी हुक्मरान है कि आपने क्यों निकाला। जी एक बात बताइए कि जब आप खुद ही कह रहे हैं कि इंटरव्यू में सिर्फ यह शर्त थी कि इनको निकाला जाना है, तो जाहिर तौर पर यह देश जाति समुदाय विचार से बना हुआ है जिसमें विचार काफी हावी है। आपके विचार लगातार सरकार को लेकर सवालिया रहे, शिक्षा के निजीकरण का प्रश्न हो, कैंपसों में अपराधीकरण हो या जातीय हिंसा हो, इन तमाम सवालों पर आप प्रखरता से बोलते रहे हैं, लगातार सेमिनारों में अपनी बात उठाते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी नौकरी जाने में इस विचार के पक्ष का भी एक बड़ा रोल है? निश्चित रूप से, हालांकि मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि ये बात वो लोग मुझे बताएं जिन्होंने मुझे बाहर करके 96 API वाले को बाहर करके एक ऐसे व्यक्ति को रखा है जिसका उच्च शिक्षा में पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं, वो स्कूल से आए हैं, उन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी की होगी, और चूंकि इंटरव्यू बोर्ड के पास पूरा अधिकार होता है कि वो एक पन्ने पर लिख दें कि इस पोस्ट पर इनको हमने चुन लिया है, क्यों चुना है, किस आधार पर चुना है, किन खासियतों के चलते चुना है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, और विद ड्यू प्रोसेस ये करते हैं, इसलिए हम इसको कोर्ट भी नहीं जा सकते। फिर भी मैं इस सब उम्मीदों को तलाश रहा हूं कि कहां से मुझे ये जवाब मिले, और इसलिए मैं ये जवाब आपसे बातचीत में मैं खुद पूछ रहा हूं कि एक बार आप क्लियर बताएं कि आपने मुझे निकाला तो इसकी मूल वजह क्या है, एक बार आप कबूल कर लीजिए ना। मैं फिर से कह रहा हूं मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में 96, तो इस बेस पे तो आप निकाल नहीं सकते। 14 साल से मैं उस महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, मैंने 14 बैच के बच्चों को पढ़ाया है, आप 14 मिनट के इंटरव्यू में कैसे समझ गए कि मैं शिक्षक बनने के काबिल नहीं हूं? तो फिर वो जो 14 साल पढ़ाया है उनके भविष्य का क्या? आप हर 4 महीने बाद मुझे रिन्यूअल क्यों देते थे अगर मैं शिक्षक बनने के काबिल नहीं था, और आपकी शर्तों में, जबकि पहले मैं इंटरव्यू देके आया हूं, सिलेक्शन कमेटी फेस करके आया हूं, आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करके आया हूं, और 14 साल मैंने पीढ़ियों को पढ़ाया है, इसका मतलब क्या है? तो मैं खुद ये बात जानना चाहता हूं अजय जी कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस का आधार क्या है, और आप कबूल करिए ना कि आपका आधार पॉलिटिकल है, आपका आधार वैचारिक है, ये मैं क्यों कहूं? और ये मैं जानना चाहता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के क्या उन प्रोफेसरों का चेहरा इस देश को याद नहीं है जो रोज टीवी पर बैठकर नफरत की बात करते, वो भी तो राजनीति करते। दिल्ली विश्वविद्यालय चूंकि एक ऑटोनोमस बॉडी है, हम सरकारी मुलाजिम नहीं होते, इसलिए हमारे ऊपर वो नियम कायदे लागू नहीं होते कि हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। हम आलोचना कर सकते हैं, हम अपनी सरकारों से सवाल पूछ सकते हैं, हम अपनी विचारधाराओं को लेकर के काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी विचारधारा में, मेरे बाहर के काम में कोई भी गैर संवैधानिक चीज होती तो मैं कब का बाहर कर दिया गया होता? इसका मतलब ये कि कानूनन मैं कहीं गलत नहीं था, संवैधानिक रूप से मैं कहीं मौका नहीं दिया, मेरे क्लासरूम में कभी आपको ये मौका नहीं मिला, मेरे विद्यार्थियों के फीडबैक में कभी आपको इसकी शिकायत नहीं मिली, 14 साल में एक कंप्लेन मेरे खिलाफ मेरे कॉलेज में नहीं है, तो मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या वजह पॉलिटिकल है? किसने कहा था कि लक्ष्मण यादव को बाहर करो, और क्यों बाहर करो? ये सवाल मैं फिर से पूछना चाहता हूं, सिलेक्शन कमेटी बताए, प्रधानमंत्री बताएं, शिक्षा मंत्री बताएं, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति बताएं कि वो आधार क्या है जिस पर आपने मुझे बाहर किया है। ये मेरा साफ प्रश्न है। जी बिल्कुल, ये बताएं कि क्या ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोसेस का हिस्सा है कि हर 4 महीने बाद वो रिन्यूअल करते हैं, और 14 साल तक पढ़ाने वाले आप जैसे शिक्षक जो इस उम्र में अब वरिष्ठ हो जाते हैं, 14 साल काफी होता है, असिस्टेंट से उनको एसोसिएट या रीडर की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ये कितनी बड़ी संख्या में होता है, जरा थोड़ा वह सिनेरियो भी बताइए, क्योंकि यह एक बड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी रेगुलेशन में एक क्लॉज जोड़ा गया था कि मान लीजिए कोई टीचर रिटायर हो गया, कोई नई पोस्ट क्रिएट हो गई, जी कोई
छुट्टी पर चला गया तो अकाडमिक प्रैक्टिस उससे प्रभावित ना हो, इसके लिए टेम्परेरी प्रावधान रखे गए थे कि आप एडहॉक पर टीचर नियुक्त करेंगे, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन वही होगी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, उनका ओहदा वही होगा, उनकी सैलरी वही होगी, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट 4 महीने के लिए होगा। 4 महीने के बाद आप परमानेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये देखा कि इतना जल्दी परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने 4 महीने के बाद 1 दिन का गैप दे करके फिर 4 महीने का लेटर दे दिया। कई जगह लोग एडहॉक पर भी निकाल दिए जाते थे, कई बार टीचर चाह चेंज हुआ तो अपने मन का कोई कैंडिडेट ले आया तो पुराने वाले को निकाल दिया, कभी कभी ये सारा प्रोसेस चलता रहता था। देखिए एकेडमिया में क्या होता है, कोई बोलता नहीं। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय से, मैं तो 14 साल पढ़ाया हूं, इस विश्वविद्यालय में 20 20 साल पढ़ाए हुए लोग भी बाहर कर दिए गए, मगर कोई इसलिए नहीं बोलता कि हो सकता है कहीं बाद में कल को मौका मिल जाए मैं अंदर चला जाऊं, हो सकता है मैं मुझे कोई अंदर बुला ले, लेकिन मैं ये साहस करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी नहीं बोलूंगा तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रोसेस है एडहॉक प्रोफेसर रखे जाने का। 14 साल में मेरे पास तो कई दर्जन मेरे अपॉइंटमेंट लेटर रखे हुए हैं बिल्कुल जिसमें कॉलेज ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है, तो इसका मतलब मैं एक बेहतर शिक्षक था, मुझे वहां से आपने कोई कमी देखी नहीं। आप मेरी क्लासरूम के बच्चों से फीडबैक लेते थे, आप मेरे कक्षाओं की रिकॉर्डिंग कराते थे, आप कहिए ना कि नहीं कराते थे, आप फीडबैक लेते थे, कहीं आपको मौका नहीं मिला, क्योंकि बाहर दुनिया में मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूं क्योंकि मैं शिक्षक होने के साथ साथ एक नागरिक भी हूं, मगर वो 4 दीवारी के बाहर का था, मैंने एकेडमिक डिसिप्लिन कहीं से तोड़ा नहीं, वरना आप कब का उखाड़ के फेंक देते। और सच बोलना तो हमने अपने कक्षाओं में सीखा है, हमारे गुरुओं ने हमारी रीढ़ को मजबूत किया है, इस देश के संविधान ने, मंडल कमीशन ने हमें यह हक दिया है कि हम सच को सच और झूठ को झूठ बोलेंगे। और ये अगर आपकी कसौटी ये थी, तो मैं फिर से जानना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो राजनीति करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो भी गलत है इसका मतलब? तो इसका मतलब ये शर्तें नहीं है अजय जी। ये जो एडहॉक का पूरा प्रोसेस था, जब आरक्षण लागू हुआ 2006 के बाद, तो 2009-10 में आप गौर करेंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 10-15% पूरे टीचिंग फैकल्टी के एडहॉक रहे होंगे, और 2019-20 में हमने इसके लिए आंदोलन लड़ा कि लगभग 50% एडहॉक हो गए थे, तब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे, सब कुछ अनुकूल हो गया झंडे वालान के, तो अचानक 4,000 पद भर दिए गए हैं। मैं जरा इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार पता लगा के देखिए कितने इसमें आरएसएस के कैडर भरे गए हैं। मैं आपके लिए एक लिटमस टेस्ट दे रहा हूं, मैं ये भी जानते हुए कह रहा हूं कि पहले भी जिनकी सरकारें रही उन्होंने भी ये काम किए, प्रोफेसरों ने अपने स्कॉलर भरे, तमाम लोगों ने अपनी पार्टी के लोगों को भरा, फिर भी आज जो रिटायर होने जा रहे हैं वो भी तो लोग उस समय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने जब उनकी सरकारें नहीं थी, यानी सारे लोग एक तरह से एक झंडे के रंग देखकर नहीं भरे गए, कुछ लोग थे जो मेरिट वेरिट पर भरे गए, कुछ लोग थे जिन्होंने नौकरी की। आज मैं ये कह रहा हूं कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पैसा चल रहा है क्या, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, हम तो ये सुन रहे हैं, जरा इसकी पड़ताल इस देश के लोग करें। क्या इस देश में कुछ ऐसे प्रोफेसर, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनके रिश्तेदार इस दिल्ली विश्वविद्यालय में भर दिए गए हैं क्या, जरा इसकी खोज की जाए। क्या झंडे वालान जाने वाले सुबह शाम नमस्ते सदावत्सले कहने वाले भरे जा रहे हैं क्या, ये हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जिन विश्वविद्यालय ने मुझे बनाया है उनमें विचारधारा देख करके लोगों को बाहर किया जा रहा है, जिनको रखना है उनको अपने अंदर बुला करके कि भाई या तो चुप रहो, और चुप नहीं रहोगे तो मारे जाओगे, ये इस समय विश्वविद्यालय में हो रहा है अजय जी। बिल्कुल, आपने विस्तार से काफी बातें कहीं, और यह भी आश्चर्यजनक है कि 30-35 लाख रुपए घूस लेकर, एक विचारधारा का तो सवाल था ही, घुसखोरी का भी नया सवाल है कि जो शिक्षक नैतिकता पढ़ाएगा, देश का संविधान पढ़ाएगा, आदर्श और नैतिकता बघारेगा, वह घूस देकर परमानेंट होगा। खैर, आपने कहा कि आप एक आजाद व्यक्ति हैं, तो जाहिर तौर पर अब तो विश्वविद्यालय ने आपको निकाल ही दिया है, तो आगे की क्या सोची है? आपने एक समाज के सजग नागरिक हैं, लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, अपनी बात रखते हैं, क्या आगे की योजनाएं सोची हैं आप? अजय जी, पाब्लो नेरुदा की कविता की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि तुम रोज सकते हो सभी फूलों को, मगर तुम बसंत को आने से नहीं रोक नहीं रोक। सकते, बिल्कुल। तो अब वही है, दरिया है, हम भी अपना हुनर मालूम है, जिस ओर चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, कक्षाएं छीन लोगे, मेरा ओहदा छीन सकते हो, मेरी नौकरी छीन सकते हो,
लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी थी वो तुमने छीन ली। समाज मुझे अपना तमगा दे चुका। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे नाम के आगे प्रोफेसर लगाइए। मैं लोगों से कहता रहा, खुले मंच से मैंने बोला है कि मैं ठेके पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ठेके पर, मेरे बायोडेटा में लिखा हुआ है ठेके पर प्रोफेसर। लेकिन जनता ने मुझे अपना प्रोफेसर बनाया। लोग मुझे प्रोफेसर के संबोधन से पुकारते हैं। मुझे लगता है कि ताउम्र अगर मैं उनके लिए एक शिक्षक की भूमिका में, मैंने अपने YouTube चैनल पर सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाई है, तो उन्होंने मेरी कक्षा को छीन ली, एक परिंदे से उसका घोंसला छीन लिया। ये बहुत दुखद है। मैं वहां जीता रहा हूं, मैंने वहां सांस ली है, मैंने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया कम पढ़ा ज्यादा है, लेकिन उससे क्या हुआ? आप छीन सकते थे तो एक नौकरी छीन लेना। कितने लोगों के पास ये नौकरी है? हालांकि मैं महानगरीय जीवन में जीने के लिए आर्थिक मुश्किलें भी आएंगी, उस तरफ भी हम सबकी चिंता है। जी पढ़ा लेंगे सर, पढ़ाएंगे अपने YouTube चैनल पर, पढ़ाएंगे समाज को, पढ़ाएंगे जितना पढ़ेंगे समाज से उतना पढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आए और इस ऋण को बचा कर लाए, तो इस ऋण को बचाने की शर्तें थीं, कुछ कुर्बानियां थीं, और उस कुर्बानी में हमने ये तय किया था कि अंजाम को पहुंचूंगा मैं, अंजाम से पहले खुद मेरी कहानी भी सुनाएगा कोई और। तो ये सारे जज्बे हैं, आर्थिक सवाल है, चिंता है मेरी, मैं उसका रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरे लिए आर्थिक पहलू इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ रास्ते ढूंढेंगे, कुछ काम करेंगे, जी लेंगे, मगर जो बचा कर ले आए वो अपनी हिम्मत और हौसला, साहब इस कमरे में बैठकर पढ़ा लेंगे और जी यहीं से पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, लोग सुनेंगे, लोग प्यार देंगे, लोग मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके लिए, जिस समाज के लिए मैंने इतना जोखिम उठाया है, अपना करियर बर्बाद कर दिया, और मैंने जानबूझकर नहीं किया, केवल इसलिए किया क्योंकि ये करना मुझे जरूरी लगा, सच लगा, और ये सच मुझे बोलना पड़ा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कबीर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं थे, फूले रविदास ये सारे लोग किसी नौकरी में बंधे हुए लोग नहीं थे, वो हमारे आईकॉन है। मैं कोशिश करूंगा अजय भाई कि लोगों की नजरों में जो मेरी अहमियत है, मेरी किताबें मेरे साथ हैं, मेरा कमरा मेरे पास है, मेरे हाथ में कलम है, मैं लिखूंगा, मैं किताबें लिखूंगा, मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर पढ़ा लूंगा, इस कमरे से पढ़ा लूंगा, और यहीं से अपना कारवां जारी रखूंगा और हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद रखूंगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लक्ष्मण यादव। उन्होंने विस्तार से अपने संघर्ष को और भविष्य के रास्ते को भी बताया, बताया कि यह कुर्बानी का रास्ता उन्होंने चुना है क्योंकि आज समाज को जरूरत है। आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि यह वक्त सवाल उठाने का है, और लक्ष्मण ने शिक्षक रहते हुए जो सवाल उठाए हैं वह हर शिक्षक को उठाना चाहिए, और काबिलियत के बावजूद उन्हें नौकरी से निकाला गया, यह राष्ट्रीय प्रश्न का विषय है। यह हम सभी के लिए विषय है जो लोग सवाल उठाते हैं कि क्या सवाल उठाने वालों के मुंह पर जाबी लगा दी जाएगी और जाबी लगाकर मुंह बंद कर मारने की कोशिश की जाएगी। तो जाहिर तौर पर ऐसा कोई निजाम आज तक दुनिया में नहीं पैदा हुआ, शिकस्त मिला है, और उसका रास्ता लक्ष्मण यादव के रास्ते से भी होकर गुजरता है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।